हेलो एवरीवन, डॉक्टर हॉस्टल में आप सभी का स्वागत है। आए हैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके, जिससे जो है आप देखोगे कि अभी जिसके सिनेरियो में आप देखोगे, डायबिटीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सिम्टम्स जो है वो बन गया है बहुत सारे लोगों में, और इसके क्या क्या रीजन्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। फिर हम देखेंगे कि आखिर डायबिटीज़ पहले देखेंगे होता क्या है, फिर देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है, किस किस टाइप का जो है ये डायबिटीज़ होता है, और किस तरह से दोनों टाइप जो है वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और फिर हम देखेंगे दोनों में जो है वो थ्रेट क्या है, कि किस तरह से जो है थ्रेट रहता है कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है तो आखिर थ्रेट क्या क्या रहता है। तो ये सारे डिटेल्स जो है आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो एक एक करके सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये कैसे जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, और किस तरह से जो है ये सिम्टम्स इसके शो करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ जो है एक ऐसा डिजीज़ है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज, जिसको कि कभी जो है हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये जब भी हाई हो जाता है तो जो है डायबिटीज़ की समस्या जो है वो बढ़ जाता है। अब जो भी ये ब्लड ग्लूकोज होता है या ब्लड शुगर होता है, ये जो है हमारे बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और ये सोर्स जो है जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो उससे जो है ये ब्लड ग्लूकोज जो है वो बनता है, जिनको ब्लड शुगर भी कहते हैं, और जब ये हाई होता है तो डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये होता कैसे है कि हमारे बॉडी में जो है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज द्वारा जो है वो बनता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से बनता है, और इंसुलिन जो है ये क्या करता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ें खाते हैं तो वो हाई ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज बनता है उससे, तो उस ब्लड ग्लूकोज को जो है एनर्जी में तोड़ देता है और हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको जो है वो पहुँचा देता है। तो इंसुलिन का काम इतना होता है कि जो भी हम खाते हैं तो जो उससे ब्लड शुगर बनता है या ब्लड ग्लूकोज बनता है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ के जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो एनर्जी चाहिए उसे, और ये एनर्जी जो है जितना बॉडी में आवश्यकता होती है उतना जो है वो सबको मिल जाता है। अगर आपने सेल्स अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि सेल्स में जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी के जो है वो सोर्स होते हैं, पावर हाउस होते हैं किसी भी सेल के। तो वहाँ तक जो है इंसुलिन इनको जो है ग्लूकोज को भेजता है तोड़ने के लिए, और वहाँ से एनर्जी पैदा होता है और वो एनर्जी पूरे हमारे बॉडी में जो है वो फैल जाता है, सारे कोशिकाओं को जो है सारे सेल्स को मिल जाता है। अब क्या होता है कि जब भी इस इंसुलिन को जो है वो कमी पड़ जाती है और ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है या ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज को जो है वो जल्दी से तोड़ नहीं पाते हैं हमारा बॉडी, इंसुलिन यानी कि नहीं मिलता, और इंसुलिन जो है वो हार्मोन नहीं मिलता, तोड़ नहीं पाता, तो एनर्जी जो है नहीं बनता और ब्लड शुगर की संख्या जो है जब भी हम कुछ खाते रहते हैं बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ जो है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ जो है ये स्टार्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो है डायबिटीज़ का नाम है। जो टाइप 1 होता है ये मेनली जो है तब जनरेट होता है, ये आप देखोगे बहुत कम लोगों में होता है। आप लोग से अगर आप देखोगे 100% डायबिटीज़ में, तो 20% लोगों को डायबिटीज़ 1 होता है और 80% जो है वो डायबिटीज़ 2 होता है। तो जो टाइप 1 होता है, तो टाइप 1 में जो है ये उस केस में बनता है जब बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है किसी कारणवश। तो जब किसी कारणवश जो है इंसुलिन पैदा नहीं होता है तो उससे जो डायबिटीज़ होता है उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जबकि लेटर लाइफ में, यानी कि जब एज जो है वो बढ़ते जाता है, और ऐसे सिनेरियो में बॉडी जो है वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करने में जो है काफ़ी ट्रबल फील करता है, यानी कि आपको जितना इंसुलिन की ज़रूरत है उतना जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या फिर किसी सिनेरियो में जो है धीरे धीरे प्रोड्यूशन जो है इंसुलिन का कम होते जाता है, या किसी कारणवश जैसे कि अगर पेनक्रियाज कभी निकालना पड़ जाता है तो इंसुलिन की जो है वो कमी पड़ जाती है, तो उस कारण जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बॉडी में आ जाता है और बहुत सारे लोग जो है टाइप 2 से हो जाते हैं। तो आप इस तरह देखोगे इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है और इसके कारण जो है ओबिसिटी बढ़ती जाती है, ओबिसिटी का मतलब मोटापा बढ़ते जाता है, और उस मोटापे के कारण जो धीरे धीरे इंसुलिन जो है वो कम पैदा होता है बॉडी में, और जब इंसुलिन कम पैदा होना शुरू हो जाता है डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये ऑटोमेटिक बॉडी में आते जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के। जो कॉमन सिम्टम्स है दोनों का वो होता है कि यहाँ पे जो मैंने सिम्टम्स दिए हैं उसी के हिसाब से जो है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है।
यूरिनेटिंग में जो है वो ऑफन होते रहता है, यानी कि कभी डायबिटीज़ का जो मरीज़ है आप देखोगे बार बार जो है उन्हें जो है मूत्र विसर्जन की जो है वो आपको बार बार ये ऐसी चीज़ें जो है होते रहती है, यानी पेशाब जो है बार बार बहुत ऑफन जो है वो लगते रहता है। इसके अलावा बात करते हैं तो डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ होते हैं जो कॉमन सिम्टम्स होता है उसमें आप देखोगे कि उन्हें जो है बार बार प्यास जो है वो लगते रहती है, प्यास जो है नहीं बुझती है उनकी। इसके अलावा भूख भी जो है बहुत जल्दी लगते रहता है, चाहे वो कितना भी खा रहे हो लेकिन भूख जो है डायबिटीज़ के मरीजों को लगते रहता है, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, साथ ही उन्हें प्यास लगते रहता है और साथ ही जो है उन्हें पेशाब भी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आते रहता है। इसके अलावा जो चौथा है सिम्टम, ये एक्सट्रीम फटिक फील होता है। फटिक का मतलब होता है, एक्सट्रीम फटिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट जो है वो फील होते रहता है, चाहे कुछ करे नहीं करे फिर भी बॉडी जो है वो बिल्कुल थकान थकान सा महसूस होते रहता है, तो ये जो है कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है ब्लरी विजन हो जाता है, यानी कि कोई भी जो है चीज़ें फ्रेश फ्रेश नहीं दिखती है आँखों के सामने, कभी कभी अंधेरा छाएगा, कभी कभी ब्लर विजन जो है वो होते रहेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है आपकी बॉडी में कभी कट्स लग जाते हैं या कभी जो है किसी कारणवश कहीं पे जो है थोड़ा थोड़ा सा कट लग जाता है बॉडी में, तो ऐसे में जो है ये जो उसके हील करने की प्रक्रिया होती है यानी कि जो उसके ठीक होने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है बहुत स्लो हो जाता है। और ये सिम्टम्स होता है कि आपके जो है जो शुगर की लेवल है वो हाई है, यानी ब्लड शुगर जो है वो हाई है, जिसकी वजह से जो है जब भी कट्स लगते हैं या किसी कारणवश से कुछ कट जाता है तो उसे हील होने में यानी कि उसे ठीक होने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा जो है वेट लॉस की समस्या जो है देखने को मिला है, चाहे आप कितना भी खा रहे हो वेट लॉस जो है हमेशा रहेगा, और जब भी वेट लॉस की समस्या देखने को मिलती है तो ये मेनली टाइप 1 का जो है ये कॉमन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा टिंगलिंग होते रहता है, पेन और नबलेस जो है ये आपको हैंड में फीट में महसूस होते रहेगा, फीट में कभी कभी जो है पेन महसूस होते रहेगा, कभी कभी हाथ जो है वो आपको जो है नबलेस जो है उसमें फील होते रहेगा, तो ऐसे में जो है ये टाइप 2 का जो है ये सिम्टम्स होता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो है डायबिटीज़ से रिस्क कितना है। रिस्क का मतलब कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कितना खतरनाक है, इसका जो है सिंपल सा मतलब हम निकाल लेते हैं। जिस व्यक्ति में अगर डायबिटीज़ है तो ये जो है कहते हैं कि हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है उसको 3 गुना कर देता है, यानी कि अगर हार्ट अटैक की रिस्क आप में जो है अभी थोड़ा सा चांसेस है तो वो 3 गुना बढ़ जाता है कि अगर आप डायबिटीज़ है तो। इसके अलावा जो है 20 टाइम्स जो है ये जो है ऐसा माना जाता है कि जो एम्पलीटेशन का प्रॉब्लम होता है लेग में उसको बढ़ा देता है। एम्पलीटेशन क्या होता है, ये होता है कि जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे कारणवश जो है पैरों में बीमारी पड़ जाती है, जिसके चलते जो है उन्हें काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, तो ऐसे जो है ये बीमारियाँ जो है अधिकतर बढ़ जाती है डायबिटीज़ के रिस्क के कारण। डायबिटीज़ में जो है ये स्ट्रोक्स को जो है ये अल्सो जो है ये लीड करता है। स्ट्रोक्स का मतलब तो ही हार्ट अटैक, कि आपके जो है ये स्ट्रोक की समस्या को बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किडनी फेलर की समस्या जो होती है वो डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा ज़्यादा जो है वो होता है, और इस वजह से आप देखोगे पेशाब की समस्या भी जो है बार बार जो है होती रहती है। ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है, जैसे कि हमने बताया कि थोड़ा सा अंधेपन की जो है समस्या आ जाती है, जो आँखें हैं ब्लर ब्लर से जो है वो व्यू करती रहती हैं। इसके अलावा जो है नर्व डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम भी जो है उस पर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है जो भी डायबिटीज़ जिनको होता है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है अगर जो है उन्हें डायबिटीज़ का जो है वो रिस्क है तो, या फिर डायबिटीज़ जो है तो ये जो है कुछ कॉमन रिस्क हो गए, कुछ कॉमन जो है ये क्या क्या खतरा हो सकता है डायबिटीज़ के कारण, ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो डायबिटीज़ होता है ये किस कारण से जो है होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये आखिर किस कारण से होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ सब होता है जब इम्यून सिस्टम में, यानी कि हमारे बॉडी जो है ये किसी तरह का इन्फेक्टन से जो है वो फाइट करता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी तरह का इन्फेक्शन से जो है फाइट करता है, चाहे किसी भी तरह का जो है वायरस अटैक हुआ है या फिर जेनेटिक हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कोई वायरस हो गया उसकी वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे जो है लड़ते रहता है। अब आप कहोगे जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम में आप देखोगे डायबिटीज़ की जो है समस्या भी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो इस वजह से कि जब भी किसी व्यक्ति को जो है कोरोना इफेक्ट करता है तो उनके इम्यून सिस्टम जो है वो एक तो लड़ने की कोशिश करता है कोरोना के वायरस से, और उसके अलावा जो है कोरोना का वायरस इतना स्ट्रांग है कि वो जो है आपके इम्यून सिस्टम को जो है बर्बाद करते रहता है। और ऐसे समस्या में जब पूरा बॉडी जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो किसी वायरस से लड़ रहा है, उस समस्या में जो है आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग का जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज होते हैं वो भी है धीरे धीरे जो है वो डैमेज होते जाते हैं, और जब पेनक्रियाज डैमेज हो जाएगा इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो ऐसे में जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये आपको जनरेट होता हुआ नज़र आ जाएगा,
चाहे वो कम एज की हो, ज़्यादा हो इसकी हो, टाइफाइड डायबिटीज जो है वो देखने को मिलता है। एक्सर से इस बीमारी को जो है ट्रिगर कर देता है ये सारे फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि आखिर दूसरे टाइप का डायबिटीज़ होता है ये किस कारण से होता है। जैसे मैंने बताया कि दूसरे कारण का जो दूसरे टाइप का जो डायबिटीज़ होता है ये जो है बहुत जो है एज के बाद यानी 40-50 की एज के बाद जो है लोगों में स्टार्ट होता है, और ऑलमोस्ट 80% जो डायबिटीज़ देखने को मिलता है वो टाइप 2 का डायबिटीज़ जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है, इसके आप अगर रीज़न देखोगे तो ओवरवेट जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी कि ओबेसिटी जो है वो बहुत ही बड़ी एक समस्या है टाइप 2 डायबिटीज़ में। जिनको ओवरवेट है वो जो है धीरे 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 वेट जो है और बढ़ते ही जाता है, और उसके कारण जो है फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण जो है जितना ओबेसिटी बढ़ते रहता है आप फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हो, तो आपका बॉडी जो है वो मसल्स जो पूरे हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते, और वहाँ पर जो है इंसुलिन अच्छे तरीके से पैदा नहीं होता, और जब अच्छे तरीके से पैदा नहीं होता जब तो है वो आपके जो ब्लड शुगर होंगे उनको जो है तोड़ नहीं पाता है, और जब तोड़ नहीं पाता धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होना शुरू हो जाता है। कभी कभी जो होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है पैदा हो जाता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस मतलब कि आपकी बॉडी जो है ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं जैसे इंसुलिन जो है वो पैदा होता है, तो आपकी जो सेल्स होते हैं वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे टाइम पे, या फिर किसी कारणवश जो है इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी में देखने को मिलता है, जिसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये कॉज होता है। इसके अलावा जीन्स और फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो जन्म देता है, यानी कि किसी के पिछले जीन में जो है वो अगर डायबिटीज़ की है समस्या तो ट्रांसफ़र हो सकती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी था पहले जो है आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को जो है डायबिटीज़ की समस्या था तो आप में ट्रांसफ़र हो सकता है जेनेटिक के थ्रू, और ऐसा बहुत जो है देखने को मिला गया है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन भी जो है होते रहता है, अगर आपके जो है पेरेंट्स में किसी एक को है तो ऐसा हो सकता है कि आपको होने की समस्या जो है वो हो सकती है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को था तो वो हो सकता है कि म्यूटेट होकर जो है आप तक भी जो है वो पहुंच सकता है, ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो जनरेट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल डिजीज़ भी होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल डिजीज़ यानी कि कुछ ऐसे डिजीज़ जो है वो हार्मोनल पैदा हो जाते हैं जो कि इंसुलिन जैसे हार्मोन को जो है वो डैमेज कर देते हैं, जो कि इंसुलिन पैदा होता है लेकिन दूसरी हार्मोन की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, जिसके कारण इंसुलिन अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पाता डायबिटीज़ पे, और आपका जो है डायबिटीज़ 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिजीज़ में। इसके अलावा बात करते हैं तो जो है जो अगला एक कॉज होता है कि आपका जो है डैमेज हो जाता है या फिर रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज होता है। बहुत सारे कारण बस है, बहुत सारे लोगों में जो है पेनक्रियाज जो है निकलना पड़ता है, जब पेनक्रियाज निकल जाता है तो इंसुलिन जो है बहुत कम मात्रा में जो है वो आपको मिलता है, यानी कि इंसुलिन पूरे अच्छे तरीके से आपको बॉडी को जो है जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, या किसी कारण बस जो है पेनक्रियाज जो है वो डैमेज हो जाता है किसी ऑपरेशन के कारण या किसी चोट के कारण, तो ऐसे में भी जो है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के जो है वो समस्या झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा मेडिसिन भी जो है एक रीज़न होती है जिनके कारण जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो जाता है, और ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे चीज़ की जो है मेडिसिन आप एडप्ट कर रहे हो, आप ले रहे हो जो कि आपके इंसुलिन पे जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, आपके पेनक्रियाज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इस कारणवश जो है क्या होता है कि वो जो है इंसुलिन को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रोड्यूस नहीं होने देता है, और जब अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको जो है टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारा हो गया कि हमने ये देख लिया कि पैदा कैसे होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या होता है ये एक्चुअली हमने पूरा समझ लिया कि इसका ओवरव्यू क्या होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपको जो है ऐसा कुछ लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है तो प्रिवेंट भी तो किया जा सकता है, कुछ ऐसे मेथड होना चाहिए जिनको जो है डायबिटीज़ जो है प्रिवेंट किया जा सके कि डायबिटीज़ की समस्या जो है हो ही नहीं। सबसे पहला जो है कि आप अपने डाइट से जो है वो लो जो शुगर है उसको कट कर दे, जो रिफाइंड कर्ब्स हैं आपके डाइट से उसको जो है आप कम कर सकते हो। जैसे आप कम करोगे शुगर जो है मेन डायबिटीज़ का जो है वो ये कॉज करता है, डायबिटीज़ को जो है जनरेट करता है शुगर, तो अगर आप अपने फूड से जो है शुगर को कट कर दोगे तो डायबिटीज़ की समस्या जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो वर्कआउट जो है रेगुलरली करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप वर्कआउट रेगुलरली नहीं करते हो तो ओबेसिटी जो है ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जब ओबेसिटी बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ की समस्या जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर आप बेवरेज बहुत ही अधिक मात्रा में जो है कंज्यूम करते हो, चाहे वो दारू हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, सोडा हो,
तो ऐसे में आपको ये कम कर देना चाहिए, उसकी जगह जो आप जितना अधिक से अधिक पानी पियोगे आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, डायबिटीज़ जैसी समस्या जो है आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा अगर आप ओबेस हो या ओवर वेट हो, या अगर आप की जो एज है उस हिसाब से जो है आपका बॉडी जो है ओवर वेट है, तो आपको जो है वेट लॉस कर लेना चाहिए अपने जो है बॉडी के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से जो है वेट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको अगर आप स्मोकिंग करते हो और ओबेसिटी भी है साथ में, तो ऐसे में आपको स्मोकिंग जो है क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करोगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है आपको लो कार्ब वाले डाइट जो है वो लेने चाहिए, क्योंकि लो कार्ब वाले डाइट आप जितना भी जो कार्ब जब भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको जो है ऐसी चीज़ें समस्याएं देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जो है एक तरीके से आपको डायबिटीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। तो आप कोशिश करो कि अपने भोजन में जो है वो डाइट में अगर आप सुबह जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्ब्स ले रहे हो, तो शाम में जो है लो कार्ब्स लो, या शाम में जो है कोशिश करो कि कार्ब्स आप जो है वो लो ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में जो है कंज्यूम करो। इसके अलावा जो है अपने पोर्शन ऑफ साइज जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो कि आप कब जो है किस टाइम पे जो है कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। रात के समय में आप जितना कम खाओगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात के जो भी फूड होता है वो आपके टोटल फैट में जो जाके कंज्यूम होता है, कि रात में ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है बॉडी को, तो वो क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी होता है, एक्स्ट्रा जो फैट्स होता है उसको जो है आपके पेट पे जहाँ जहाँ आपके फैट इकट्ठा होते हैं वहाँ जो है आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है आप जो भी सेडेंटरी बिहेवियर है उसको जो है अवॉइड कर दो। इसका मतलब है कि जब भी आप ऐसे काम करते हो जहाँ पे आपको जो है 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बैठना पड़ता हो, तो ऐसे बिहेवियर को आप अवॉइड करो। हर घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद आप कोशिश करो कि कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जो है आप टहल के आओ, वॉकिंग करके आओ। अगर आप एक ही दर पे बैठे रहते हो या एक ही दर पे लेटे रहते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक बिहेवियर हो सकता है डायबिटीज़ टाइप 2 को जो है वो जनरेट करने में। इसके अलावा जो जब भी आप खाना कुछ खाते हो तो कोशिश करो कि आप ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें ज़्यादा जो है फाइबर जो है वो आपको रहे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फाइबर कंज्यूम करते हो तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अपने आप अवॉइड हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपको विटामिन डी की लेवल जो है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज है, विटामिन डी की समस्या जो आपकी बॉडी में नहीं है, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये आपके बॉडी में जो है वो जनरेट नहीं होगा। अगर ऐसा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ विटामिन डी जो है आपके समस्या अब लगता है, तो विटामिन डी आपको पता है कहाँ से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है आपको विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं, उसको भी आप रेगुलर यूज़ में ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप नेचुरली जो है वो विटामिन डी जो है वो कंज्यूम करो। इसके अलावा बात करते हैं कि आपका जो है इनटेक जो है प्रोसेस फूड का, यानी कि जितने भी आप पैकेजिंग फूड जो है वो यूज़ करते हो, पैकेजिंग फूड जितना भी होता है ये सब जो है आपको एक तरह से ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरह से बढ़ावा देता है, ओवर वेट होने को बढ़ावा देता है। आप जितनी मात्रा में प्रोसेस फूड लोगे, जितने मात्रा में पैकेजिंग फूड लोगे, जो फूड पहले से बनाया गया है, फ्राई करके बनाया गया है, ऐसे फूड जो है आपको डायबिटीज़ की समस्या जो है वो दे सकता है इन लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप बहुत ही मात्रा में कंज्यूम करते हो प्रोसेस फूड, या आपको बहुत ही जो है वो अच्छा लगता है ऐसे पैकेजिंग फूड को खाना, या ऐसे बेवरेज को खाना जो कि बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स जिसमें भरे पड़े हों, तो ऐसे चीज़ों को जो है इनटेक करने का जो प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा जो है वो कम कर सकते हो, धीरे धीरे कट कर सकते हो, और बहुत ही जो है वो मिनिमम मात्रा में करो। आप जो है अपने डाइट में ऐसा फॉलो करो कि आपको जो है वीक में किसी एक दिन 2 दिन जो है आप ऐसी चीज़ें जो है कंज्यूम करोगे, बाकी जो है आप उसे जो है ड्रॉप करने की सोचो। इसके अलावा जो है आपको कॉफ़ी और टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करना चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करो तब ब्लैक कॉफ़ी से कर सकते हो स्टार्ट, या ब्लैक टी से कर सकते हो। वहाँ भी आपको शुगर की मात्रा जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी है। शुगर की मात्रा अगर आप बिल्कुल नहीं रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप रखते भी हो तो बहुत ही कम मात्रा में रखो कि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा ब्लड शुगर को जो है जनरेट ना कर पाए, इतना कम रखो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप फॉलो करके जो है प्रिवेंट कर सकते हो डायबिटीज़ की समस्या। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें थी इससे जुड़ी बची वो जो हमने कवर कर लिया, अगर कुछ चीज़ें रहते थे आने वाले वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल ना मिस करो। आप हमें फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हो डॉक्टर हॉस्टल सर्च करके, या फिर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा उससे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चैनल से बने रहना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।